For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum nazreen, मेरा नाम डॉक्टर सोहेल सरवर है. मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ. मेरी क्वालिफ़िकेशन MBBS और MS ऑफ्थल्मोलॉजी और करंटली मैं PhD भी अपनी मुकम्मल करने लगा हूँ अपने सब्जेक्ट के अंदर. और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैटरेक्ट सर्जरी और मायोपिया या लेसिक सर्जरी, और इसके अलावा स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक ऑफ्थल्मोलॉजी में है. हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं वो सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन के लिए आते हैं. सफ़ेद मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकती है, और पर्टिकुलरली ये जो है ज़्यादा उधेड़ उम्र में होती है. इसकी ज़्यादातर वजूहात जो हैं वो एक तो यूवी लाइट से एक्सपोजर है. डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर ये सफ़ेद मोतिया जो है वो ज़रा उम्र में जल्दी आ जाता है. इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है. किसी दवा से या किसी इंजेक्शन वगैरह से इसको हम ठीक नहीं कर सकते. सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से किया जाता है. यहाँ पर हम एक स्पेशल किस्म की अल्ट्रासाउंड मशीन, इसको कहते हैं, जिसको उर्फ़े आम से हम लेज़र भी कह सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलरली मशीन का नाम है फेको इमल्सिफिकेशन. इसके अंदर हम एक छोटा सा इंसीजन देके, बहुत छोटा सा इंसीजन देके, एक सुई नुमा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम सफ़ेद मोतिया को सारा पिघला लेते हैं, और पिघलाने के बाद उसके अंदर हम फोल्डेबल इंट्राओकुलर लेंस डालते हैं. इंट्राओकुलर लेंस डालना जो है वो ज़रूरी होता है. अगर हम ये लेंस ना डालें तो बहुत मोटी ऐनक लगती है. सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से किया जाता है. यहाँ पर हम एक स्पेशल किस्म की अल्ट्रासाउंड मशीन, इसको कहते हैं, जिसको उर्फ़े आम से हम लेज़र भी कह सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलरली मशीन का नाम है फेको इमल्सिफिकेशन. इसके अंदर हम एक छोटा सा इंसीजन देके, बहुत छोटा सा इंसीजन देके, एक सुई नुमा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम सफ़ेद मोतिया को सारा पिघला लेते हैं, और पिघलाने के बाद उसके अंदर हम फोल्डेबल इंट्राओकुलर लेंस डालते हैं. इंट्राओकुलर लेंस डालना जो है वो ज़रूरी होता है. अगर हम ये लेंस ना डालें तो बहुत मोटी ऐनक लगती है. नाज़रीन, दूसरे जो हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो ऐनक उतरवा आने के लिए आते हैं, और जिनका मायोपिया है या माइनस नंबर के ग्लासेस हैं, और ये अमूमन नौजवान लोग होते हैं. हम इसका ऑपरेशन जो है 20 साल की उम्र के बाद करते हैं, क्योंकि 20 साल की उम्र में नंबर जो है वो स्टेबल हो जाता है. और ये कई चीज़ें और भी चेक करते हैं हम, उसमें कॉर्नियल टोपोग्राफी देखते हैं, और इसमें ये भी देखते हैं कि उसका नंबर डिक्रीज़ तो नहीं हो रहा. अगर 2 साल तक नंबर ठहरा हुआ हो तो उस में हम उसकी सर्जरी करते हैं. इसका सर्जरी का प्रोसीजर बहुत सेफ़ है, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो 99% एक्यूरेट हैं, और पेशेंट को डिस्टेंस के लिए किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है ऐनक ग्लासेस पहनने के लिए. और जो तकरीबन जो उसकी उम्र होती है वो 20 35 40 45 साल तक उसको नज़दीक के लिए भी कोई ऐनक की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसके अलावा मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो डायग्नोस्टिक ऑफ्थल्मोलॉजी है, और ये मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ. मुझे गुज़िश्ता तकरीबन को 25 से 30 साल हैं, और मैं पाकिस्तान में पहला शख्स था जिसने ये स्पेशलिटी इंट्रोड्यूस करवाई थी. मेरा जो मास्टर्स का थीसिस था वो भी अल्ट्रासोनोग्राफी पे थी, आई की अल्ट्रासोनोग्राफी. आपने अब तो सुन ली होगी क्योंकि मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, और जब मैं ये काम कर रहा था 10-15 साल से लोगों को पता ही नहीं था कि आई की भी कोई अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, आई की भी कोई एंजियोग्राफी होती है, आई के भी कोई टेस्ट होते हैं. तो ये एक अलहदा डिपार्टमेंट हमने बनाया गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की हेल्प से, और हमने उनको रिक्वेस्ट की, तो अब ये वेल इस्टेब्लिश्ड एक डिपार्टमेंट है, पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड है. और इसके अंदर जिस तरह हम आम मेडिसिन में कोई मरीज़ आता है, शुगर का मरीज़ आता है, या कोई चेस्ट का कोई पेशेंट आता है, तो हम एक्सरे के लिए उसको भेज देते हैं, पैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं, या एंजियोग्राफी के लिए भेज देते हैं. इसी तरह आई के अंदर भी ये सारे टेस्ट मौजूद हैं. इन सारे टेस्ट को अगर हम एक अलहदा
प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ तो ये एक डायग्नोस्टिक ऑफ्थल्मोलॉजी बनती है, और ये इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला पाकिस्तान के अंदर मैं हूँ। डायग्नोस्टिक ऑफ्थल्मोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें हम कॉर्निया की जो पिछले हिस्से की तय होती है सेलुलर लेयर, उसकी हम एवेल्युएशन करते हैं। ये एवेल्युएशन सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन करवाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे हमें यह पता लगेगा कि सफ़ेद मोतिये में सक्सेस रेट क्या होगा, कॉर्निया जो है उसके बाद हेजी तो नहीं हो जाएगा, और अगर आपका सेल काउंट कम है तो वो सर्जन के लिए एक वार्निंग होती है कि बहुत ज़्यादा हार्ड कैटरेक्ट है, तो उसमें वो कोई प्रोसीजर चेंज करे, या अगर उसको लेंस डालने की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिसाइड होती हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक ऑफ्थल्मोलॉजी में एक जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको कहते हैं ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिसको OCT भी कहते हैं। OCT बेसिकली क्या है कि आपके आंख के पर्दे का वो एक हिस्टोपैथोलॉजी या इन वीवो उसकी डिटेल एग्जामिनेशन हमें बता देता है। बाज़ एक पेशेंट होता है डायबिटीज़ के अंदर पर्टिकुलरली, तो वो पीछे पर्दे के ऊपर सोजिश आ जाती है, और वो सोजिश जो है वो हम OCT के ज़रिए उसको मैयर करते हैं, हम बिल्कुल माइक्रॉन्स के अंदर मैयर कर लेते हैं। करने के बाद उसका जो भी इलाज करना है, टीके लगाने हैं या उसका कोई भी प्रोसीजर करना है, करने के बाद उसको हम फॉलोअप के बाद देख लेते हैं कि उसका एडिमा या उसकी सोजिश कम हुई है या नहीं हुई है। तो ये OCT के साथ हम मैयर करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं हमारे पास, अब चूँकि एज ज़्यादा हो रही है, लाइफ स्टाइल लोगों का बदल रहा है, तो उसमें एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है। मैकुला के ऊपर, आंख के पर्दे के ऊपर उम्र के हिसाब से कुछ खून की नालियां नई बन जाती हैं, और वो नई बनने को डिटेक्ट करने के लिए हम OCT है, और OCT की एक और फर्दर एक नई एडवांसमेंट है जिसको हम कहते हैं NGO OCT। पहले मैंने जिक्र किया कि एक फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी होती है या आंखों की एक एंजियोग्राफी होती है, उसमें हम एक इंजेक्शन लगाते हैं वेन में और फिर एंजियोग्राफी करते हैं। लेकिन ये जो OCT एंजियोग्राफी है, ये ऐसी एडवांसमेंट है जिसमें हमें मरीज़ के अंदर कोई टीका नहीं लगाना पड़ता, और टीके के बगैर ही हम उसकी जो न्यू वेसल्स हैं उनको पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद उसका पूरा मैप होता है और उसका एरिया देखते हैं, उसके बाद उसको इलाज करते हैं, इंजेक्शन से करते हैं, इंजेक्शन से फिर उसके बाद उसको देख लेते हैं कि उसकी सोजिश कम हुई, उसमें लीकेज कम हुई, उसका साइज़ कम हुआ या नहीं हुआ। तो ये NGO OCT है। इसके अलावा एक हम काले मोतिये के लिए टेस्ट करते हैं जिसको वीएल फील्ड कहते हैं। अब वीएल फील्ड क्या चीज़ होती है? वीएल फील्ड ये होती है कि जब मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ तो मुझे इस कमरे में इर्द गिर्द सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, या जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमारी तवज्जो जो है वो सामने सड़क पर होती है, लेकिन उस तवज्जो वो देखते हुए भी हमें साइड में चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जो साइड की वीएन होती है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें सामने की वीएन बिल्कुल मुतासर नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइड की वीएन जो है वो कम होती रहती है, और एट दी एंड आके वो सेंटर की वीएन भी ख़त्म हो जाती है। तो वीएल फील्ड एक ऐसा टेस्ट है, वीएल फील्ड एनालिसिस जिसको पेरीमेट्री कहते हैं, इससे हम वो बीमारियां पिक करते हैं जो साइड की वीएन को जो है ना वो मुतासर करती हैं। जी नाज़रीन, अगर आप मुझसे रابطہ करना चाहते हैं आप आँखों की बीमारियों के मतलब, तो आप मुझे मरहम के प्लेटफॉर्म से रابطہ कर सकते हैं।